हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग शायद ठीक होंगे और पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग, करेक्ट? सो फाइन। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ITJEE का होमवर्क का सवाल दिया था, शायद आपने उसका ग्राफ बनाया होगा, करेक्ट? थोड़ा लेंथी जा सकता है, डिफरेंशिएशन वगैरह अगर आपने किया हो तो। क्या सवाल था वो, बना है आप लोगों से? एक बार उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, करेक्ट? वो क्वेश्चन था शायद कि हमें ग्राफ बनाना था उसका, और क्वेश्चन था वो ये fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये क्वेश्चन था हमें। वैसे तो ये सवाल ITJEE में ग्राफ बनाने के लिए नहीं आया था, बस ये बताया गया था कि इतने इंटरवल में fx कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब उसका बिहेवियर पूछा गया था। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर JEE का क्वेश्चंस है, पेपर है, तो उसमें क्वेश्चन होगा। तो अगर हम इसका अगर ग्राफ बना लें तो बहुत जल्दी हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो पहले एक काम करते हैं, फैक्टर करना चाहें तो कर लीजिए। क्या बनेगा? fx बराबर ये 6 है और ये 5 है, तो एक और पांच हो जाएगा, तो ऊपर में आएगा x माइनस वन और x माइनस कितना, पांच, शायद करेक्ट है। और नीचे में तो क्या आएगा, तीन, तीन दूनी छः, तो टू और कितना, थ्री। आई होप दिस इज क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस पांच एक्स, मतलब माइनस छः एक्स और प्लस पांच, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट डोमेन निकाल लेते हैं इसका। डोमेन में से नीचे वाले दो बंदों को हटा दो, नाम बताओ इनके, दो और तीन, जल्दी जल्दी बना लेते हैं भाई, बहुत समय लगता है इस टाइप के ग्राफ बनाने में। उसके बाद एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस किया, सिमेट्री चेक कर रहे हैं हम, सिमेट्री। तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये भाई साहब चेंज हो जाएंगे दोनों, ये तो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कोई सिमेट्री नहीं है, हटाओ। फिर अगला पॉइंट क्या देखेंगे इसके अंदर, रूट्स। रूट्स में सबसे पहले कहां पे देखेंगे, एट एक्स एक्सिस, कौन जीरो, तो वाई को जीरो मार दिया। y जीरो मतलब एफ एक्स जीरो, ये जीरो कब होगा, तो इसके कारण जीरो, मतलब वन और फाइव हो गया। x बराबर वन और क्या हो गया, फाइव हो गया। एक और पांच पे कट के जाएगा, x बराबर एक और पांच, मतलब वन कॉमा जीरो और पांच कॉमा जीरो पे काट के निकलेगा, सही बात है। तो फिर यहां भी देख लो, फिर कहां, एट y एक्सिस, y एक्सिस पे कौन जीरो है बेटा, तो x जीरो होता है, y पे कौन जीरो, x, तो x जीरो मार दिया, जीरो मार दिया, तो ये वैल्यू पांच बटा छह आ जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी, फाइव बाई सिक्स, तो पॉइंट आ जाएगा जीरो कॉमा कितना, फाइव बाई सिक्स, करेक्ट, ठीक है, जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। फिर अगला पॉइंट पर आते हैं तुरंत, नाम है एसम्प्टोट। एसम्प्टोट में पहले बात करेंगे हम लोग कौन सी, हॉरिजॉन्टल एसम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसम्प्टोट में हम लोग क्या करते हैं बताओ जल्दी से फटाफट, हॉरिजॉन्टल एसम्प्टोट कैसे निकालते हैं, एच ए एस एम ए एस वाई एम पी, लिमिट ले लेते हैं x टेंस टू कितना, प्लस माइनस इन्फिनिटी ऑफ कौन, एफ एक्स। अच्छा यार बताओ, x इन्फिनिटी को जाएगा तो दोनों में डिग्री सेम है, तो मैं जब भी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं अपन रेशनल फंक्शन में, तो हाईएस्ट डिग्री कॉमन निकालते हैं, यहां से कॉमन निकालेंगे, ये x इसके नीचे जाएगा और यहां पर पांच बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन निकाल रहा हूं, तो यहां भी वन बचेगा, यहां भी वन बचेगा, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो चाहे वो माइनस इन्फिनिटी हो, दोनों केस में कितना बचेगा, वन, तो इसका मतलब y बराबर वन, बस हॉरिजॉन्टल एसम्प्टोट को y बराबर लिखते हैं। अच्छा एक और बच के हमारे पास अगली एसम्प्टोट, जिसका नाम क्या है, वर्टिकल एसम्प्टोट। वर्टिकल एसम्प्टोट निकाल लेते हैं, वर्टिकल एसम्प्टोट कैसे निकलेगी, डिनोमिनेटर को जीरो कर दो, डिनोमिनेटर जीरो किस किस कारण हो रहा है, दो और तीन के कारण, तो x बराबर दो और x बराबर तीन। अच्छा हमेशा इन पे भी बिहेवियर चेक करते हैं, टू प्लस पे क्या होगा, थ्री प्लस पे, थ्री माइनस पे क्या होगा, तो एक काम करते हैं हम लोग, अब हम चेक कर लेते हैं टू प्लस पे फंक्शन क्या होगा और टू माइनस पे फंक्शन क्या होगा। तो लेट्स चेक, पहले बात कर लेते हैं एफ ऑफ थ्री प्लस पे क्या होगा, तीन प्लस पे हमारा फंक्शन का बिहेवियर, तीन से बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं हम, तो ये नंबर कैसा होगा, तीन से बड़ी, तो ये पॉजिटिव होगा, दिस इज पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव, और तीन से बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं आप, तीन से बड़ी, तो ये चार डालेंगे तो नेगेटिव दे देगा ना, तो ये नेगेटिव दे देगा, बाई कितना, तीन से बड़ी, तो ये पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा,
और तीन से बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा। अगर तीन डाल देंगे तो जीरो है, तो मतलब ये जीरो प्लस होगा। क्या होगा? जीरो प्लस। तो ये क्या है भाई? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इंटायर नेगेटिव बटा जीरो, तो कितना? माइनस इन्फिनिटी को चला जाएगा। किसको चला जाएगा? ये बराबर नहीं लिखते हैं, टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। मतलब तीन प्लस पे ग्राफ जो जाएगा ना वो कहाँ जाएगा? तीन प्लस पे वो प्लस इन्फिनिटी को चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी जाएगा ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एफ थ्री प्लस, थ्री प्लस पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, और ये जीरो प्लस। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बाई जीरो प्लस, मतलब किसकी तरफ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। करेक्ट, ठीक है सही। एफ ऑफ थ्री प्लस देख लिया, ऐसे ही हम लोग एफ ऑफ थ्री माइनस देख लेते हैं। थ्री माइनस मतलब तीन से छोटी वैल्यू, एफ थ्री माइनस मतलब तीन के पहले, एफ थ्री प्लस मतलब तीन के बाद। थ्री माइनस तो तीन से छोटी वैल्यू ले रहे हैं, तीन से छोटी वैल्यू ले रहे हैं, तो ये वाला बंदा नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? तो तीन से छोटी वैल्यू ली आपने, कितनी छोटी? तो थोड़ी सी छोटी ली, तो उसके नियर बाई वैल्यू ली, तो ये क्या देगा भाई? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव देगा। और तीन से छोटी वैल्यू ली तो ये नेगेटिव ही देगा। और इसका हल क्या होगा भाई? तीन से छोटी वैल्यू ली आपने, तो ये तीन से छोटी वैल्यू ली आपने, तो तीन से अगर हम लोग छोटी वैल्यू लेंगे तो ये क्या देगा भाई? तीन से अगर हमने छोटी वैल्यू ली तो, तीन से छोटी वैल्यू ली तो तीन से छोटा, लेकिन थोड़ा सा छोटा, तीन से छोटा मतलब ये नंबर अभी भी पॉजिटिव ही देगा, तो ये पॉजिटिव ही देगा। और तीन से छोटा लिया तो ये किसकी तरफ चला जाएगा? जीरो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो ये नेगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और नीचे भी नेगेटिव है, ये जीरो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, टेंस कर रहा है, टेंस जा रहा है। और यहां भी ऐसा सिंबल लगा देते हैं, ऐसा तीर का निशान, करेक्ट। तो ये किसकी तरफ चला जाएगा? प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ टू प्लस, एफ टू प्लस, क्योंकि टू और थ्री दोनों ही एसिम्प्टोट हैं। एफ टू प्लस पे निकालेंगे दो से बड़ी वैल्यू, दो से बड़ी वैल्यू तो ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, यहां वाला पॉजिटिव, फिर दो से बड़ी वैल्यू, दो से बड़ी 2.1 ही ले लिया तो ये नेगेटिव देगा। अच्छा जी, और ये दो से बड़ी वैल्यू तो ये जीरो पॉजिटिव देगा, टेंस टू जीरो पॉजिटिव। और इधर क्या देगा भाई? दो से बड़ी वैल्यू, थोड़ी सी वैल्यू लिया तो ये नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव देगा। नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया? पॉजिटिव, एंटायर पॉजिटिव हो गया, तो ये प्लस इन्फिनिटी को मूव कर जाएगा। किसको मूव कर जाएगा? प्लस इन्फिनिटी को, सही बात। और एक और अगर निकालना चाहते हैं, एफ ऑफ कितना? टू माइनस, एफ ऑफ टू माइनस मतलब दो से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, तो 1.99 ले लेते हैं, 1.99 में से वन जाएगा तो ये पॉजिटिव देगा। यस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मूव करेगा, और इसके बाद ये नेगेटिव ही मूव करेगा, ये नेगेटिव मूव करेगा, और 1.99 लगभग अगर दो हो जाएगा तो ये नेगेटिव देगा। क्या देगा? नेगेटिव, इट इज टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव। और कितना लिया आपने? 2.99, तो ये नेगेटिव देगा, तो ये भी नेगेटिव देगा, ये नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव, ये प्लस इन प्लस पॉजिटिव था, तो ये किसको तरफ भागेगा? ये तो पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव बच गया, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सो अब डिवाइड बाई डी एक्स कौन करेगा इसका? चलो इसी आधार पर हम बना लेंगे ग्राफ, हमारे पास एसिम्प्टोट तो मिली गई ना, और इसी आधार पर बना लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे हम लोग इसका डिवाइड बाई डी एक्स निकाल लेंगे, इतने में तो हम लोग कर ही सकते हैं। सो फाइन, क्या क्या एसिम्प्टोट हैं? वाई बराबर वन हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट, रूट्स कौन कौन थे? वन और फाइव पे काट के निकलेगा, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी बनाते हैं, डिफरेंशिएशन में पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है, रेशनल फंक्शन है, दोनों जगह क्वाड्रेटिक है, इसीलिए हमें वक्त ज़्यादा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? वक्त ज़्यादा लग जाएगा। सो यहीं बना लेते हैं जल्दी से, क्या क्या है भाई? जीरो है, और एक तो टू और थ्री पे लाइन खींच दीजिए आप खड़ी। क्यों खींच दीजिए लाइन खड़ी? ये बात आपको शायद समझ में आ रही है, क्योंकि टू पे एक एसिम्प्टोट थी, ये टू लीजिए और ये थ्री लीजिए, दो तीन, 1.1 ले लीजिए और एक फाइव ले लीजिए, ये इसके क्रॉसिंग पॉइंट है, ठीक है। और एक साइड और आया था वाई पे, 0.9/2 था साइड, है ना,
0.9/2 था, वट एवर। अच्छा चलिए जल्दी करते हैं, एक और लाइन भी है एसिम्प्टोट आपकी, कौन सी? तो वो है वाई बराबर कितना, 1। ये लाइन वाई बराबर कितनी, 1। ठीक, नाउ स्टार्ट करते हैं। एफ 3 प्लस पे ग्राफ किस तरफ जाएगा, माइनस इंफिनिटी। 3 प्लस इधर है, दिस इज कॉल्ड 3 प्लस, दिस इज 3 माइनस, दिस इज 2 प्लस एंड दिस इज 2 माइनस। ये हमारी एसिम्प्टोट का बिहेवियर है। तो 3 प्लस पे कहां जा रहा है भाई, माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है, मतलब ग्राफ यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ऊपर जाएगा, ये एसिम्प्टोट है। तो एक काम करते ना, ये यहां से तो क्रॉस करेगा ही करेगा, तो ये इसके एसिम्प्टोट के सारे सारे आएगा और ऊपर जाके ऐसे ऐसे हो जाएगा, समझ लीजिए। चलिए एक ब्रांच तो बन गई, आगे बात करते हैं। 3 माइनस पे, 3 माइनस कहां था भाई, अभी ये वाला था भाई माइनस, 3 माइनस पे, 3 माइनस पे ग्राफ कहां जा रहा है, प्लस इंफिनिटी, तो यहां है। ठीक, फिर अगला बोलिए, 2 प्लस पे ग्राफ कहां जा रहा है, तो प्लस इंफिनिटी, तो यहां जा रहा है। ये एसिम्प्टोट है, टच नहीं करेगा, तो ग्राफ क्या करेगा, ऊपर से आएगा और इसको बिना छुए इसी के सारे वापस चला जाएगा, सही बात। फिर अगली बात कि 2 माइनस पे ग्राफ कहां जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी ऊपर नहीं होता है, नीचे होता है, तो यहां से जाएगा, क्रॉसिंग यहां से करना है, ये इसकी एसिम्प्टोट है, तो ये लो भाई इसके सारे सारे चला जाएगा। और वो ये वो पॉइंट आ गया, शायद 0.9/2 था, 9/2 था क्या, 5/6 था, ऊपर में 6/5 था। व्हाट इज द क्वेश्चन, एक्स वाई एक्सिस पे एक्स जीरो हो रहा था, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार जस्ट चेक कर लेता हूं फास्ट, गलत नहीं लिखेंगे डाटा, जो भी होगा उसको हम सही लिख देंगे। 5/6 था, एब्सोल्युटली करेक्ट, 0.5/6। ये लो यार, ना इसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये मेरा आंसर आ गया भाई, बस एसिम्प्टोट के बिहेवियर से हम आंसर बना सकते हैं, तो ये ठीक तरीका है। नहीं, ये भी हम लोग कर सकते हैं, सो बिना एसिम्प्टोट के भी हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। ये लाइन वाई बराबर वन ही है भाई, एसिम्प्टोट इसके सारे सारे जाएगा, साथ साथ ग्राफ चलता जाएगा, यहां से ये बिहेवियर हमने पता कर लिया। तो इस टाइप के ग्राफ हम लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ भी बता सकते हैं कि किस तरफ जा रहा है। ये जो ग्राफ बन रहा है ना, ये ग्राफ मैं एक कलर का बना देता हूं पूरा का पूरा, दिस इज द वन कलर ग्राफ। नहीं तो आप सोचेंगे साहब अलग अलग कलर का कैसे बना दिया आप, ठीक है ना, तो दैट सफिशियंट, ज्यादा वक्त नहीं देंगे इनको, ठीक है, बाकी बीच में और कहीं आगे आएंगे तो उनको हम लोग बना लेंगे। तो इसे जल्दी से उतार लीजिए, हम इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, ये इसकी एसिम्प्टोट कर ली और ये इसका रफ स्केच हमारे समक्ष आ गया, मिटा दो इसको, फाइन। नेक्स्ट टाइप, मैं आपको अब कुछ ग्राफ्स बता रहा हूं, जैसे एक्सपोनेंशियल टाइप, एक्स की पावर एन टाइप, लॉगरिथम टाइप, उन ग्राफ्स को हमेशा आपको याद रखना है और एकदम रट्टा मार लेना, समझ रहे हैं आप। सो, मैं आपके समक्ष अब अगले ग्राफ्स लेके आ रहा हूं और वो ये है, अगला मतलब स्टार लगा के लिखते हैं, ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ टाइप एफएक्स बराबर वाई बराबर एफएक्स और बराबर एक्स की पावर एन, ठीक है ना, वाई बराबर एफएक्स और एक्स की पावर एन। एन के अपन डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेंगे, सबसे पहला केस एन के डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेंगे, तो मैं आई टेक फर्स्ट केस, केस नंबर वन में ले लिया मैंने, इफ एन बराबर पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, नॉट, क्योंकि इवन ऑड का भी यहां खेल होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर, अच्छा पॉजिटिव इवन, इवन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो वो 2m से करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है, तो m यहां पर क्या ले लेंगे, m, दिस इज m, इस m इज पॉजिटिव, m जो लिखा
वो 2m टाइप नंबर होता है, मतलब a1 को आप समझते होंगे, और odd जो होता है वो किस टाइप का होता है, वो 2m प्लस 1 टाइप का होता है, करेक्ट, ये आप बेहतर समझते हैं। तो पॉजिटिव a1 इंटीजर, करेक्ट। सो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी पॉजिटिव a1 इंटीजर में, तो पॉजिटिव a1 इंटीजर में सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8 एंड एक्स की पावर 2m, जहां m इज पॉजिटिव इंटीजर, करेक्ट, m इज पॉजिटिव इंटीजर, 2, 4, 6, 8। तो यार ये जो ग्राफ है ना, ये तो बेसिक पैराबोला है जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। क्या है? बेसिक पैराबोला है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं? तो बोले ऐसे बनाते हैं, तो ये y है और ये x है, ये तीर का निशान है, तीर का निशान हमेशा जिंदगी में होना चाहिए, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है, समझ रहे होंगे आप लोग। सो अपवर्ड पैराबोला, y बराबर एक्स स्क्वायर को हम लोग पैराबोला कहते हैं, तो ग्राफ इज पैराबोलिक, द ग्राफ इज व्हाट, पैराबोलिक। तो बोले साहब बाकी के ग्राफ, आपने तो इसको एक ही श्रेणी में लिखा ना, बाकी के ग्राफ कहां जाएंगे? तो बाकी के जो ग्राफ है ना, यहां पर n जो है वो पहले केस में मैंने पॉजिटिव a1 इंटीजर लिया, तो 2, 4, 6, 8 वगैरह वगैरह, समझ रहे हैं आप? ठीक है, अच्छा तो मुझे बताओ, तो बोले सर y बराबर x की पावर 4 का ग्राफ कैसा बनेगा? तो क्या वो भी पैराबोला होगा? नहीं, वो पैराबोला नहीं होगा, वो पैराबोला टाइप होगा। क्या कहा सर आपने? वो दिखेगा ऐसा ही, लेकिन हम उसे पैराबोला नहीं बोलेंगे, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। मतलब मैं अगर इस पे एक तीर का निशान लगा के लिखूं कि ये जो बाकी के ग्राफ है ना, ये वाले कि ये जो ग्राफ बनेंगे ना बाकी के, ये मैंने पीला मार्कर से लिख रहा हूं, अभी आपको पीला दिख रहा है कि कैसा दिख रहा है, आई डोंट नो, ये जो ग्राफ होंगे ये पैराबोला टाइप होंगे। किस टाइप के होंगे? पैराबोला टाइप के होंगे। सो अगर ये पैराबोला टाइप के होंगे ना, तो बोले दिखेगा कैसे? मुझे बताओ सर कैसा होगा, y बराबर x की पावर 8 का ग्राफ बताओ। तो मैंने कहा भाई ऐसा ही होगा, ये लो मैंने बना दिया। बोले साहब क्या ये पैराबोला है? नहीं, तो मैं कहूंगा पैराबोला टाइप है, पैराबोला के जैसा दिखता है। क्या पैराबोला नाम है इसका? नहीं है। तो पैराबोला किसे कहते हैं? तो y बराबर x स्क्वायर को ही पैराबोला कहते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन आप में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये पैराबोला टाइप ग्राफ होंगे, हम इन्हें पैराबोला टाइप बोल सकते हैं लेकिन ये पैराबोला होंगे नहीं, ठीक है। तो बोले साहब डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सब में यही है कि भाई ये दिखेंगे पैराबोलिक टाइप, लेकिन इसका नाम पैराबोला नहीं होगा। तो बोले सर अगर हमको एक ही स्केल पे पूछ ले, तो अगर कोई कहेगी भाई इसी पर आप x की पावर 6 दिखाओ या x की पावर 2 दिखाओ या x की पावर 4 दिखाओ, तो पहली बात तो ये समझ लो, बोले साहब ये ग्राफ आया कहां से? तो ये ग्राफ तो कहीं से नहीं आया भाई, इस ग्राफ के लिए तो हमारा वही बेसिक मेथड है, कौन सा? डब्बा मेथड। एक में हमने x डाला और यहां से हमने क्या लिया? आउटपुट लिया। जब 0 दिया तो 0 मिला, मैं y बराबर x स्क्वायर की बात कर रहा हूं, किसी की भी बात कर लो, 1 दिया तो ये 1 ही मिलेगा, फिर 2 दिया तो ये 4 मिलेगा। तो इसी प्रकार से हमने डाटा ले लिया, मैं y बराबर x स्क्वायर की बात कर रहा हूं, x बराबर अगर 2 दिया तो y का वैल्यू 4 आएगा। ये मैंने टेबल बनाई है y बराबर किसके लिए, x स्क्वायर के लिए बनाई। तो बोले साहब ये तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो ये तो याद हो गया हमको। तो फिर दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत यहां दिक्कत नहीं है, अगर हमसे कोई कहे y बराबर x की पावर 10 का ग्राफ बनाओ, हम खींच देंगे ऐसा ही, ठीक है। दिक्कत कहां आएगी? जब वो एक से ज्यादा को कहे कि एक ही जगह प्लॉट करके बताइए और प्लॉट करके हमें बताइए कि वो कैसा दिख रहा है, वो कैसा बन रहा है। हाँ, तो बोले बना देंगे सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी हम बना ही देंगे। तो ये पहला जो केस हमारा ये है कि जब n एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस के कहां आ रहा है? ऊपर आ रहा है, टच भी कर रहा है एक्स एक्सिस को, रूट्स भी मिल रहा है हमको। तो पहली बात, हम इसके बारे में एनालिसिस तो बाद में करेंगे, पहले हम जितने भी y बराबर x की पावर n के पॉजिटिव इंटीजर वाले हैं
ये ग्राफ हमने यहां देख लिया, अब इनकी जन्म कुंडली लिख लेते हैं। सर ये जन्म कुंडली क्या होती है? तो जन्म कुंडली वही होती है जो मैंने आपको लिखाया था कि क्या होती है भाई जन्म कुंडली? सर जन्म कुंडली वही होती है कि डोमेन रेंज वगैरह वगैरह। तो ये बताइए साहब इसका डोमेन कितना? तो आर है। क्यों है? क्योंकि इंटायर एक्स एक्सिस में फैला हुआ है, सारी एक्स की वैल्यू ले सकता है। ठीक है, मान ली बात सर आपकी। रेंज कितनी है इसकी, इस फंक्शन की रेंज? जितने भी इस टाइप के फंक्शन होंगे इनकी सबकी रेंज कितनी होगी? तो जीरो से इन्फिनिटी होगी। ठीक, तो ये बताइए फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है क्या? एफ मैक्स नहीं है, नॉट डिफाइन है। एफ का मिनिमम वैल्यू है क्या? एफ मतलब फंक्शन, एफ का मिनिमम वैल्यू है क्या? कौन सा फंक्शन? ये जितने भी फंक्शन है सारे फंक्शन है। मिनिमम वैल्यू यस जीरो है। इसके अंदर कोई एसम्प्टोट है क्या? एसम्प्टोट, एसम्प्टोट क्या होती है समझ रहे होंगे? नहीं, कोई नहीं है। इसके अंदर रूट्स है क्या? हाँ है। क्या रूट्स इसका क्या है? एक्स बराबर जीरो है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एक्स बराबर जीरो पर, ये इसका रूट्स है। क्या इसमें कोई सिमेट्री है क्या? सिमेट्री, सिमेट्री है क्या? लेट्स चेक सिमेट्री, हाँ है। क्या अगर हम इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें किसी में भी, तो ऊपर में इवन पावर होने के नाते आप देख लीजिए यहां, जैसे मान लीजिए मेरे पास एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 10 है और मैंने एक्स को रिप्लेस किया किससे? माइनस एक्स से, तो ये मेरे पास एफ ओ माइनस एक्स बराबर एक्स की पावर 10 ही आ जाएगा। दैट मीन्स नो चेंज। हमारे पास क्या हुआ इसका? नो चेंज हुआ। अगर नो चेंज हुआ इसका मतलब क्या होगा? किसके अबाउट सिमेट्री? एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो सिमेट्री किसके अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट। दैट मीन्स नो चेंज मीन्स सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सर वो कैसे दिखाइए ना, तो आप देख सकते हैं ना वाई एक्सिस के जितना पोर्शन इधर है उतना ही पोर्शन इधर है। मतलब जितना पोर्शन आपने ब्रांच इधर बना रखी है उतनी ब्रांच आपने इधर बना दी। सो इसमें सिमेट्री है, सिमेट्री है, बात मान ली इसकी, सिमेट्री का पॉइंट भी आ गया। फिर बोले साहब ये पीरियोडिक है क्या? पीरियोडिक क्या होता है सर? पीरियोडिक बताया था मैंने आपको, पीरियोडिक होता है कि क्या एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है? नहीं सर ऐसा तो कुछ है नहीं, नहीं नॉन पीरियोडिक है। लिख डालिए ये पॉइंट भी, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, कोई पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक है ही नहीं। ठीक है साहब, ये जितने भी पैराबोला टाइप है ये कोई पीरियोडिक नहीं है। अच्छा और भी कुछ पॉइंट बताया था क्या? यस बाउंडेडनेस। क्या बताया था? बाउंडेडनेस। तो वो हम कैसे डिफाइन करते थे? हम दो लाइन खींचते थे वाई एक्सिस पे और हमारे ग्राफ को हम लोग कवरअप कराते थे, इस टाइप का आइडिया मैंने बताया था आपको। क्या ये बाउंडेडनेस, क्या ये बाउंडेड है? नहीं। अगर रेंज में कोई भी एक पॉइंट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ गया तो बाउंडेड नहीं होगा, बाउंडेड नहीं है। बोले साहब इसमें लोअर बाउंड है क्या? हाँ है। कितना है? जीरो। लोअर बाउंडेड कितना है? जीरो है। तो लोअर बाउंडेड, लोअर बाउंडेड कौन है? जीरो है। एक्स बराबर जीरो मतलब जीरो है, लोअर बाउंड जीरो है, लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। क्या है उसका वैल्यू? तो वो जीरो है, लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। उसका मान पूछे तो वो क्या है? तो वो जीरो है। क्या है? जीरो है। तो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू वाई बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर चार, वाई बराबर एक्स की पावर छह, वाई बराबर एक्स की पावर आठ वगैरह वगैरह। तो इस टाइप के फंक्शंस के लिए जितनी भी बातें थी इनको हम लोगों ने क्या कर लिया? नोट कर लिया। ठीक है, तो आप इन्हें उतार सकते हैं, मिटा दूं मैं इसको। ठीक है, तो अब हमारा इसी में ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब हमारा मुद्दा यह है कि इसके अंदर अगर हमसे वो पूछ ले कि आप तो एक काम करो ना भाई, एक ही प्लेटफॉर्म पे हमको वाई बराबर एक्स स्क्वायर भी दिखाओ और वाई बराबर एक्स की पावर चार भी दिखाओ, क्योंकि वाई बराबर एक्स की पावर चार पैराबोलिक टाइप ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? पैराबोलिक टाइप ग्राफ है। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं वाई बराबर, इसी के अंदर बात कर रहे हैं, वाई बराबर एक्स स्क्वायर और एक कंपेरिजन का बंदा है वाई बराबर एक्स की पावर चार। तो वी स्टार्ट द डिस्कशन। एक ग्राफ तो मैंने ये बना दिया वाइट से। अच्छा एक बात कर लेते हैं भाई, ये दोनों बंदे हैं तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं।
तो मैं यहां लिखता हूं दिस इज फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का झगड़ा करा देते हैं, झगड़ा मतलब ये भी वाई ये भी वाई, तो ये एक्स की पावर चार बराबर एक्स स्क्वायर कर दें, तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो आ गया। तो यहां से एक्स की क्या क्या वैल्यू आ गई, तो एक तो जीरो आ गई, एक वन आ गई और एक एक्स बराबर माइनस वन आ गया। मतलब ये तीन बिंदुओं पे कटेंगे, तीन बिंदुओं पे सेम समान वैल्यू होंगी इन दोनों की, क्योंकि एक्स बराबर जीरो पर भी वाई जीरो, इसमें भी जीरो, वन पे भी वैल्यू कितनी वन और माइनस वन पे भी वैल्यू कितनी वन, क्योंकि इवन पावर है। अच्छा, इसका मतलब वन यहां कहीं, मतलब ये जीरो पे तो काट गया, तो एक इधर भी काटेगा और एक इधर काटेगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी देगा बोले, तो ये वन देगा दोनों ही केस में। तो ठीक है, कैसे बनाए, तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा सेफ गड़बड़ है, हो जाए तो आप उसके लिए घबराए ना, ठीक है, समझ में जरूर आएगा। अच्छा, तो ये वाली वैल्यू कॉमन वैल्यू हो रही है, तो ये क्या था, तो ये वन था, ये क्या था, तो ये माइनस वन था। माइनस वन और वन पे दोनों बंदा सेम वैल्यू दे रहा है, तो बोले साहब हमको क्या पता कौन सा ग्राफ क्या है, तो यार एक काम कर देना, ये जो बनाया ना इसको व्हाइट ना करके इसको ऐसे ही कलर में रखते हैं, ठीक, सही है। तो बोले अब कंपैरिजन कैसे करें, हमें क्या पता कौन सा ऊपर वाला है और कौन सा नीचे वाला है, तो चेक तो करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए इन्हें हम लोग चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो एक काम करते, पहले तो हम टेस्ट कर लें जीरो और वन के बीच और फिर वन के बाद कर लें। तो पहले हम लोग जीरो और वन के बीच, तो पुट एक्स बराबर हाफ, टेस्टिंग वैल्यू, पुट एक्स बराबर हाफ, तो हाफ यहां कहीं ले लिया, ये हाफ है। एक काम करते हैं दूसरे मार्कर से लेते हैं, दूसरी चौक से लेते हैं, दैट्स नॉट मार्कर, हाफ लिया, हाफ लिया, तो पहला बंदा ये वाई बराबर एक बटा चार आएगा और दूसरा बंदा वाई बराबर एक बटा सोलह आएगा। तो एक बटा चार आया और एक बटा सोलह, तो एक बटा सोलह तो क्या है, छोटा वैल्यू ना, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा छोटा रहेगा, तो ये जो बंदा ना ये एक बटा सोलह है और ये जो वैल्यू है ना वो एक बटा चार है। तो ये बताओ एक बटा चार किसकी वजह से आया, तो एक बटा चार तो आया भाई किसकी वजह से, एक्स स्क्वायर की वजह से। तो ये वाला जो ग्राफ है ना ये वाई बराबर किसका है, एक्स स्क्वायर का, और ये वाला जो ग्राफ है ना ये वाई बराबर किसका है, एक्स की पावर चार का। तो हमें डिसाइड हो गया कि जो व्हाइट चौक से बना हुआ है ना वो किसका ग्राफ है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर का। सही बात है, वाई बराबर किसका है, एक्स स्क्वायर का, सही है। इसका मतलब अगर आप देखें तो जीरो से वन के बीच व्हाइट चौक ऊपर है, मतलब ये बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, और वन के बाद किसका ग्राफ ऊपर है, तो ये इसका ग्राफ ऊपर है वन के बाद। तो वन से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे ना तो वो वैल्यू बढ़ेगी, समझ रहे होंगे आप, नहीं समझे मैं दोबारा बोलता हूं कि वन से बड़ी आपने कोई भी वैल्यू ली, जैसे मान लीजिए कितना लिया, टू लिया, ये टू यहां गया और आगे जाके इसको भी काटेगा ना, जैसे थोड़ा पीछे कटाते हैं, ये टू मैंने यहां लिया, यहां ये टू है, इस टू पर ये वैल्यू यहां देगा और ये यहां देगा, वाई पर वैल्यू देखते हैं हम, तो टू डाला तो ये कितना देगा भाई, अगर ये स्क्वायर का है तो ये चार देगा, और ये कितने देगा, तो सोलह, हाँ ये सही बन रहा है, चार के बाद सोलह आता है, चार के बाद सोलह आता है, चार से ऊपर सोलह होता है कि नहीं होता है, हाँ तो हम लोग सही जा रहे हैं। मतलब जीरो से वन के बीच कौन बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, जिस पर पावर कम होगी वो बड़ा होगा, और वन से बड़ी वैल्यू के लिए, वन कौन, एक्स की वैल्यू है, तो वन से बड़ी वैल्यू के लिए कौन बड़ा होगा,
तो वो कौन बड़ा होगा भाई, एक्स की पावर चार। बड़ा का मतलब जिसका ग्राफ कहां है, ऊपर, ऊंचा, ऊंचा और नीचा। तो जीरो से वन के बीच किसका ग्राफ ऊंचा, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ऊंचा। वन से बड़ी वैल्यू के लिए किसका ग्राफ ऊंचा, तो वाई बराबर एक्स की पावर चार के लिए ऊंचा। फिर इधर आ जाओ, माइनस वन से जीरो के बीच में किसका ग्राफ ऊंचा, तो वो एक्स स्क्वायर का ऊंचा। किसका ऊंचा, एक्स स्क्वायर का ऊंचा। क्लियर और नॉट? और माइनस वन से छोटी के लिए किसका ग्राफ ऊंचा, तो वो किसका ग्राफ ऊंचा भाई, वो भी देख लीजिए किसका ऊंचा है, वो वाई बराबर एक्स की पावर किसका है, चार का ऊंचा है। लेट चेक, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी एक वैल्यू डाल दी, दैट्स कॉल्ड माइनस हाफ। देखिए एक वैल्यू ये माइनस हाफ पे लेंगे तो चाहे माइनस हाफ दो चाहे प्लस हाफ दो, पावर तो इवन ही है ना, तो माइनस हाफ पे देंगे तो भी वैल्यू तो इसी के बराबर ही आएंगी ना, तो इसके बराबर आएंगे तो ये वैल्यू तो इधर ही मिलेंगी, नीचे तो जाएंगी नहीं ना। इसका मतलब चाहे आप इनपुट नेगेटिव दो चाहे पॉजिटिव दो, आउटपुट तो पॉजिटिव ही आना है, ये बात ध्यान रख लीजिए। क्यों? क्योंकि पावर इधर क्या लगी हुई है, इवन लगी हुई है। तो मेरी बात समझ लीजिए ध्यान से। तो व्हाट इज द कंक्लूजन हियर, हमारा जो मेन कंक्लूजन है ना वो पहले तो समझ लीजिए। इसमें हुआ क्या, कौन ग्राफ ऊंचा कौन नीचे, हम कोई भी अपनी तरफ से टेस्टिंग वैल्यू ले लेंगे, फिर उसको यहां पर डाल के परपेंडिकुलर डाल दिया, फिर वाई पर वैल्यू निकालने के लिए इधर ले आए, फिर ये वैल्यू डाल के हमने चेक किया, वाई बराबर एक बटा चार किसकी वजह से आ रहा है, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर की वजह से आ रहा है, एक्स बराबर एक बटा दो डालने से। और वाई बराबर एक बटा सोलह किसकी वजह से आ रहा है, तो वाई बराबर एक बटा सोलह वाई बराबर एक्स की पावर चार से आ रहा है। तो कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट क्या मिला, सर हमें रिजल्ट बताओ। रिजल्ट ये मिला कि भाई रिजल्ट्स ये मिला कि यदि इफ एक्स का मान वन पर तो बराबर है, वन पर तो सब कुछ बराबर है, तो एक्स ग्रेटर देन वन, अगर एक्स ग्रेटर देन वन है तो कौन बड़ा होगा, एक्स की पावर चार बड़ा किससे, एक्स स्क्वायर से। मतलब जिस पे ज्यादा बड़ी पावर वो बड़ा होगा। हाँ ये तो लाजमी है सर, आप यहां से क्या बता रहे हैं, वो तो हमको वहीं से भी समझ में आ रहा है। हाँ बात सही है, एक्स की पावर चार मतलब जिस पर बड़ी पावर वो बड़ा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बड़ी पावर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर चार है, एक्स की पावर छः है और एक्स की पावर आठ है। यदि एक्स का मान एक से बड़ा है तो इसके अंदर हमें ऑर्डर बताना है कि कौन सा फंक्शन बड़ा कौन सा छोटा। यदि एक्स का मान किससे बड़ा है, वन से, क्योंकि वन पर तो बराबर है, माइनस वन पे बराबर है और जीरो पर बराबर है। तो यदि एक्स का मान एक से बड़ा तो इसमें अगर ऑर्डर बताना हो तो एक्स की पावर आठ ग्रेटर देन एक्स की पावर छः ग्रेटर देन एक्स की पावर चार ग्रेटर देन एक्स की पावर दो। दिस इज द ऑर्डर यदि एक्स का मान क्या हो, एक से बड़ा हो। ये मेरी बात समझिए, ये पहली बात है। मतलब क्या, हमने यहां पर दो पे कंक्लूजन निकाला, यदि एक्स का मान एक से बड़ा है तो जिस फंक्शन पर पावर बड़ी है वो बड़ा होगा। सही बात है। अब यहां पे कंक्लूजन नंबर दो लिखते हैं। यदि देखो जीरो और वन पे तो बराबर है, तो एक्स का मान जीरो और वन के किसके लिया, बीच में लिया। अगर एक्स का मान जीरो और वन के बीच में लिया तो किसका ग्राफ ऊंचा, तो वो वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ऊंचा। ऊंचा मतलब बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, तो एक्स स्क्वायर बड़ा होगा किससे, एक्स की पावर चार से बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर का ग्राफ किससे बड़ा होगा, एक्स की पावर चार से बड़ा होगा। अच्छा बिना ग्राफ भी ये बात तो आप बता सकते थे, वैल्यू पुट करके जीरो और वन के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लेते, मिडल वैल्यू ले लेते हाफ, तो हम उसको बता देते। तो कंक्लूजन मेरी बात से आपको समझ में आ गई होगी, माइनस वन से जीरो के बीच में कौन बड़ा, एक्स का वैल्यू माइनस वन से जीरो के बीच में, माइनस वन से जीरो के बीच में कौन बड़ा, तो वो एक्स स्क्वायर ही बड़ा। तो वो भी हम कंक्लूजन लिख सकते हैं यहां तीसरा, कि भाई एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से लेकर किसके बीच में, जीरो। तो यहां पर भी किसका ग्राफ ऊंचा, तो एक्स स्क्वायर बड़ा है किससे, एक्स की पावर चार से। तो ये भी कंक्लूजन हम लोगों ने लिख दिया। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? और फिर चौथा पॉइंट, जब एक्स का वैल्यू माइनस वन से छोटा, तो हमने लिखा यदि एक्स इज लेस देन माइनस वन, तो अब कौन बड़ा आ गया, जिस पर पावर बड़ी, तो हम लोग लिख देंगे एक्स की पावर चार ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो मेरे को यहां पर ये चार कंक्लूजन मिले, चार रिजल्ट्स मिले। तो मतलब मैं यहां पर कंपैरिजन कर रहा हूं कि एक्स की पावर चार, ऐसा नहीं कि हमेशा ही एक्स की पावर चार बड़ा होता है,
एक्स स्क्वायर से, नहीं ऐसा नहीं होता है। कहां बड़ा होता है? जब एक्स का मान एक से बड़ा होगा तब बड़ा होगा, और जब एक्स का मान माइनस एक से क्या होगा, छोटा होगा। जब इधर जाएंगे माइनस वन माइनस टू वगैरह वगैरह तो वो सारी वैल्यू आएंगी। और माइनस वन से जीरो के बीच में कौन बड़ा होगा? तो वो एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, किससे? एक्स की पावर चार से। शायद अब आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी कि मैं इतना एनालिसिस क्यों कर रहा हूं कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो ये चीजें या तो आप वैल्यू पुट करके निकाल लो, और या फिर आप ग्राफ बना के निकाल लो। तो ग्राफ बना के निकाल लो और चाहे वैल्यू पुट करके निकाल लो। ये तीन पॉइंट जो ऐसे हैं, एक तो जीरो, एक वन और एक माइनस वन, इस तीनों पॉइंट पे ये बंदे वैल्यू आपस में इक्वल देंगे। क्या देंगे? इक्वल वैल्यू देंगे। उसके बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको कि भाई ये हमने यहां कंक्लूजन लिख दिया। ये तो मैंने एक ऐसे एग्जाम्पल इसमें बता दिया कि बहुत सारे अगर वैल्यू दे रखी है तो हम लोग ऐसा कर लेंगे, समझ रहे हो? तो इधर भी देख लेंगे और इधर भी देख लेंगे। कोई दिक्कत आपको इसके अंदर? जहां तक मुझे लगता है कि शायद, देखिए मैं हर सवाल में तो इस टाइप का एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब भी आपको इस टाइप का एनालिसिस करना है तो आप इसी फैशन में एनालिसिस करेंगे। माइनस वन से जीरो, माइनस वन से जीरो के बीच जिसका ग्राफ ऊंचा वो बड़ा। तो यहां व्हाइट वाला ग्राफ किसका था? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर बड़ा है किससे? एक्स की पावर चार से। देख सकते हैं आप, माइनस वन से जीरो के बीच में माइनस हाफ ले लिया तो यहां एक बटा चार आएगा और यहां एक बटा सोलह आएगा। हाँ, एक बटा चार एक बटा सोलह से बड़ा है, क्योंकि पावर तो इवन है ना यार। नेगेटिव ले चाहे पॉजिटिव ले, इवन है तो आउटपुट तो पॉजिटिव ही आना है, ठीक है ना? तो ये सारे वैल्यू इसी वाई एक्सिस पर आने हैं। इधर मतलब जितने इधर लाइन खींच रही है ना, क्योंकि सिमेट्रिक है ना ग्राफ, किसके अबाउट सिमेट्रिक है? तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सो दिस इज द फर्स्ट प्लॉटेशन एंड दिस इज द फर्स्ट डिस्कशन ऑफ वाई बराबर एक्स की पावर एन, यदि एन एक पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब किस टाइप के ग्राफ हो सकते हैं यहाँ? वाई बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स की पावर चार, वाई बराबर एक्स की पावर छः, वाई बराबर एक्स की पावर आठ, इस टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आप इसे उतार लें। करेक्ट? सो इसे उतार लीजिए आप। सो ये हमारा पहला डिस्कशन का पॉइंट हो गया। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब आपसे ये भी पूछ सकता है कि मतलब अगर आपसे ये इनइक्वालिटी सॉल्व कराए तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन कितना, एक्स की पावर चार, तो हम लोग सॉल्व भी करें। अच्छा देखो, अगर आप, मैं आपको और भी चीज़ बताऊं, जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो इसको उल्टा सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स की पावर चार ग्रेटर देन कितना, एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो अगर मान लो मैं इसको यहाँ से वापस सॉल्व करूँ, यहाँ से इसको, तो ये मेरे पास कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर चार ग्रेटर देन कितना, जीरो। तो यहां से मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गया बाहर, कॉमन ले लिया, तो यहां कितना, वन माइनस कितना आ गया एक्स स्क्वायर, लेस देन कितना आ गया, जीरो। तो यहां कितना आ रहा है मेरे पास, ये वाली क्वांटिटी एक्स स्क्वायर, ऐसा कैसा, इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन, लेस देन कितना, जीरो, लेस देन कितना, जीरो, यस और नो। तो मतलब मैं इनइक्वालिटी अगर सॉल्व करूंगा तब वो वाली बात होल्ड नहीं करेगी, लेकिन मेरे पास तो मैं इस रेंज की बात कर रहा हूं कि इस रेंज में ये बड़ा और ये छोटा है। तो आप ऐसा मत करना कि हम अगर हम इधर से सॉल्व करने लग जाएं तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा, क्योंकि सवाल तो हर जगह एक ही है ना, सवाल तो एक ही ना, एक्स स्क्वायर बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर बड़ा तो जीरो से वन में भी है। तो हम यहां पर इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप ये सोचें कि सर इनइक्वालिटी सॉल्व कर लें, तो इस टाइप की गलती आप मत करिएगा। दैट मींस मैंने आपको ये बताया है कि इतने इंटरवल में ये बंदा बड़ा है और ये बंदा छोटा है। मतलब जिसका ग्राफ ऊंचा वो क्या होगा, ऊपर लाई करेगा, और जिसका ग्राफ नीचा तो वो नीचे लाई करेगा। करेक्ट और नॉट? सो अब लोग हम केस नंबर क्या लेते हैं, टू लेते हैं। केस नंबर टू लेंगे हम लोग। तो केस नंबर टू ये है, जैसे हमारा जो बेसिक फंक्शन है वो तो y बराबर एक्स की पावर n है। n यहां पर हम लोग लेंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। तो n की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है।
ऑड इंटीजर में एक को तो छोड़ दे, वाई बराबर एक्स का तो ग्राफ जानते ही हैं, तो किस टाइप का नंबर ले लें, 2m प्लस 1 टाइप का नंबर ले लें। 2m होता है वो इवन होता है और 2m प्लस 1 ऑड हो जाएगा, और m जो यहाँ पर लेंगे वो पॉजिटिव ले लेंगे, m बिलोंग्स टू i प्लस, पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया आपने, m बराबर हमने क्या डाल दिया वैल्यू, या n बराबर 2m प्लस 1 ले लें, तो m बराबर हमने कितना डाला पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले कितना ले लिया 1, तो ये 3 हो गया। तो क्या क्या ग्राफ बनेंगे, y बराबर एक्स क्यूब, फिर x की पावर 5, फिर x की पावर 7, फिर x की पावर 9 एंड द सो ऑन। अच्छा तो हो क्या रहा है, ओड में तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा भाई, तो क्या हुआ अभी तक जो हमारा ग्राफ बना था ना वो ये ग्राफ बना था, ये ग्राफ किसका था, y बराबर एक्स स्क्वायर का टाइप का था, y बराबर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 वगैरह वगैरह। अब क्या है कि वो तो नेगेटिव ले रहा है, तो जितना पोर्शन ऊपर में आया ना इसको यहां से उड़ा दो, और इसको कहां ले आओ, नीचे ले आओ, नीचे, तो नीचे मतलब ऐसे आ जाएगा, तो हमारा ये ग्राफ बन गया, ऊपर गया और क्या बन गया नीचे, क्योंकि इस बार पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहा है और नेगेटिव भी ले रहा है। क्या ले रहा है, पॉजिटिव भी ले रहा है और क्या ले रहा है, नेगेटिव भी ले रहा है, यस और नो। तो इस टाइप के जितने भी ग्राफ बनेंगे ना वो सारे इसी तरह बनेंगे, y बराबर एक्स क्यूब। अगर आपसे कोई कहे कि भाई बताओ y बराबर x की पावर 7 का ग्राफ बताओ, तो y बराबर x की पावर 7 का ग्राफ हम लोग ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे। तो बोले साहब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बोले साहब डिफरेंस तो है, कंपैरिजन करना पड़ेगा, कौन इसमें बड़ा है कौन इसमें क्या है छोटा है। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे बना लेंगे और उसके बाद कोई भी एक कॉमन वैल्यू, मतलब एक बीच की वैल्यू ले लेंगे, पहले तो इंटरसेक्शन जीरो पर वैल्यू बराबर होंगी, और फिर यहाँ पर भी शायद एक वैल्यू वन होगी या एक इधर माइनस वन आ जाएगी शायद, मैं गैस कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किस किस का ग्राफ बनाया हम, तो ये ग्राफ बन गया, ठीक है। तो अब इसकी पहले हम लोग जन्म कुंडली लिख लेते हैं, इन सब में क्या क्या होगा, क्लियर। सो एक काम करते हैं, करेक्ट, तो इसकी हम लोग क्या लिखते हैं, जन्म कुंडली लिखते हैं। तो जन्म कुंडली लिखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आज समय बहुत ज़्यादा हो गया है, सुबह से क्लासेस ले रहा हूँ मैं, क्योंकि 11th की भी क्लास लेनी पड़ती है और 12th की भी क्लास ले रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस टाइप के ग्राफ हम लोग अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू, देखते रहिए और काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।